सर जी। जी जनाब। सर जी सवाल है, भाई तो सा ये दसो मोहब्बत के बारे थोड़ी के राय, मोहब्बत केड़ी से? देखो मोहतरम, मोहब्बत जेड़ी है ना, वो असा तुसा सारे लोग कहानियां सुनी हैं मोहब्बत प्यार दी। मोहब्बत एक है जिस्मानी मोहब्बत है, ठीक है, एक मोहब्बत है रूहानी, रूह नल की थी, ठीक है, जहनी आग सकते हो, रूहानी आग सकते हो, दिमागी मोहब्बत भी आग सकते हो। अच्छा ये जिस्मानी मोहब्बत है ना, ये एक ये जी इस वक्त इस दौर दे जी मोहब्बत चलती पी ना, ये जिस्मानी मोहब्बत है कि तुसा अखियां नाल कहनू दे दियो तो सब तो पहले जनाब तक पाँदी है वो चेहरे पर, तो चेहरा पसंद आ गया, तुसा जब ये चेहरा मेरे वास्ते बड़ा जरूरी है, तुसा उसको हासिल करने की कोशिश करें, ठीक है, तो तुसा उसको हासिल करके दो जो हासिल किए, उस बाद परेशानी होती है कि भाई मैं हासिल किया लेकिन गल तो तशनगी जी है प्यास तो नहीं, और बाकी है ये है जिस्मानी मुहब्बत, थोड़ी अखी में कुछ चंकी लगी है। अच्छा फर्ज करो कहते पैर चंगे लगे, कहते तो हाथ चंगे लगे, लेकिन हाथ पैर देखने के बाद फौरन तुम चेहरे वाले पास बैसो कि देखो उसका चेहरा कि नहीं, कहीं कहीं माजूर आदमी का चेहरा जोड़ा ना अगर खूबसूरत भी हो सी ना तुम उस मुहब्बत न थी सी, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत खामी नजर आनी पी है। तुम देखो कि यह बंदा मेरे वास्ते मौजू को नहीं वजह के तुम्हू या सारे मुआशरे को एक सेहतमंद जोड़ा ना खूबसूरत आदमी चाहिए है, यानी उस कोई फॉल्ट ना हो महबूब के अंदर, या असं जिस मुहब्बत करा तो वह बिल्कुल सही सालम हो, रंगत ठीक हो, हथ पैर ठीक हो, माजूर ना हो, किसी किस्म की उस कोई खामी ना हो। यो सारिया चीज़ा सारी डिमांड जो इस क्यों पैदा थी कि असं चाहते हैं कि एक सेहतमंद बंदा साढ़े नाल सफर करे या जिंदगी का हम सफर बने। अच्छा एक तो यह तरीका थी गया, ये हम जिस्मानी मुहब्बत है, ये असल मुहब्बत जी जिस्मानी मुहब्बत है, ये मुहब्बत है नहीं, ये हिरस है इंसान का, इंसान की भुख है जी वो मिटाना चाहता है, तो उस वास्ते उसमें चीज़ा जी दस्तियाब होना शुरू थी गई, या वो चाहता है कि मेरे वास्ते मुयसर थी हो। दूजी मुहब्बत है रूहानी, कि रूह जी है ना वो उसकी उस शख्सियत की जिस नाल जी शख्सियत चंगी लगती है ना, तुम उसके चेहरे की नौ देते, तुम उसके हथ पैर की नौ देते, तुसा उसके जिसम के कई हिस्से की नौ देते, यानी जिस्मानी मुहब्बत तू बाला ताक थी जो से या तुम मावरा थी, तुसा उस शख्सियत के अंदर मौजूद जी खूबियां हैं ना, तो कोई सीरत नज़र आती है, कोई शराफत नज़र आती है, कोई जहानत नज़र आती है, उसका कोई अखलाक नज़र आता है, उसका कोई किरदार नज़र आता है, उसका कोई रोल तुम मुआशरे नज़र आता है, उसके अंदर कोई हुनर है, कोई फन है, वो तुम्हें जोड़ा ना हांट कर देता है, वो तुम्हें अपने अट्रैक्ट कर देता है, छिके देता है, तो उस वजह से तुम उस शख्सियत में प्यार करें। और माजी के भी ये मतलब हम मैं मिसाल एक देना, लता मंगेशकर बरे सगीर की बहुत वही गुलूकारा है, उस को हुनर यह है कि उसकी आवाज़ जी है कोयल आ रही, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है, और उस राज की आवाज़ उस आवाज़ की वजह तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसके गोडा त्या चलाने वे खलोती हथ बार खलोते हैं, मतलब उसकी ताजीम की वेदी, जबकि उसकी शक्ल सूरत जी है वो देखने की नहीं, काले रंग की आई, और मतलब जिसम भी फोकस जहा है, कोई मतलब जिस्मानी तौर पर उस कोई बंदा भी मुहब्बत नहीं करना, सिर्फ उसकी आवाज़ की वजह से उस मुहब्बत करना, ये जी मुहब्बत है ना, इसका ताल्लुक जिसम नाल नहीं, इसका ताल्लुक रूह नाल है, और ये रिश्ते जो रूह वाला होंगे ना ये मजबूत होंगे ज़्यादा, यानी कि अगर कोई तुम्हारे फन नाल मुहब्बत करें तो मुहब्बत है, ये रूहानी मुहब्बत है ना, तुम्हारी किसी खूबी की वजह तो प्यार करना पड़े, हुसन नाल मुहब्बत करें तो वो हुसन या जिस्म के कई हिस्से की वजह तू या जिस्म की तलब की वजह तू तुम्हारे कोई बंदा कुर्ब रखना चाहता है तो वह जिस्मानी मुहब्बत है। असल जी मुहब्बत है ना, हम देखो ना अल्लाह नाल जी मुहब्बत है वो ये सब तो अलग है बिल्कुल मुहब्बत, ठीक है, हूँ माँ के नाल जी मुहब्बत है, रसूल के नाल जी मुहब्बत है, बाकी भैन भरावान के नाल जी मुहब्बत है, दोस्तों के नाल जी मुहब्बत है वो तुम्हारी शिकलो सूरत की वजह तो नहीं, वो कोई तुम्हारी जिस्मानी मुहब्बत तो नहीं ना, लेकिन मियाँ बीवी के दरम्यान जी ना अगर मुहब्बत है तो उस जिस्मानी मुहब्बत शामिल है उस, ठीक है ना, या तो शादी करें तो शादी तो पहले किसी बंद चॉइस करें तो वो बंदा जो मिलता है या जिसमें तुम दे अच्छा लगता है, उस असल तो जी जिस्मानी कशिश होंगी, बेहतर ये एक रूहानी कशिश होनी चाहिए, रूहानी मुहब्बत होनी चाहिए, वो दायमी होती है और उसका सुकून है। ये जी आम मुहब्बत है ये हिरस और हवस का नाँ है, और ये जो कहानियां बनी हुई हैं जिन्हें उत्ते लोग मतलब ये कि आते जी फलाना इन आई तो फलानी इन आई तो फलानी कहानी इन जी वो कहानियां सुन के सारे लोग मुहब्बत के पिछे बच गए, मुहब्बत को नहीं है इस दौर सच्ची मुहब्बत आदमी लभदी नहीं। अच्छा बात एक होर गल है
कई बंदा ये जरा स्टंट बनाया कि पहली मोहब्बत जी दूजी मोहब्बत वो मोहब्बत पहली दूजी तीजी केड़ी होती है। मोहब्बत पहली गल है तो रूहानी मोहब्बत अगर किसी नूं है तो वह जिस्म तो हट के है, अगर है तो वह तो मजबूत मोहब्बत है। और उसका हासिल या ना हासिल जरा ना उसका हासिल थीना जरूरी नहीं उदा जरा ना, अगर वह हासिल थी गई तो मतलब एक अलग चीज़ है नियमत है, अगर नहीं भी थी तो वह मोहब्बत कायम रही है। उसका यद मतलब यह हो कि मादी जरा ना वो मुहर्रक को नहीं, मादी जी चीज़ मौजूद को नहीं, तुम उस वैसे भी मोहब्बत कर दो भावों जिते मदी रवि है, यानी तो हासिल थी है या नहीं थी, दोनों सूरतें तो मोहब्बत बहाल है। जजाक अल्लाह।